हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे एक नया चैप्टर के बारे में और जिसका कि नाम है, देखिए यहाँ लिखा हुआ, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हालांकि ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी के अनुसार यदि देखा जाए तो पहले सेट, फिर रिलेशन, फंक्शन, ट्रिगो, उसके बाद आता है ये चैप्टर का बॉडी। बट ये जो ऐसा एक चैप्टर है जिसका कि यूज आपको पूरे मैथ्स में कहीं भी पड़ सकता है, इसलिए मेरा मानना है कि पहले इस चैप्टर का नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को जानेंगे, उसके बाद फिर और भी चैप्टर सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इस पे जो बेसिक चीज है, जो फंडामेंटल चीज है इस चैप्टर का, वो सब चीज जानते हैं। तो चलिए आइए देखिए, लीनियर इनइक्वेशंस, ये है चैप्टर का नाम। ओके, अब क्या है कि ये लीनियर इनइक्वेशन को जानने से पहले जरा सा आप ये बात तो भली भांति जानते होंगे कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन आप सुने हैं ना, समीकरण हिंदी वाले। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? तो सीधा सा बात है कि यदि मान लीजिए इस तरह से कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरिएबल्स कांस्टेंट आप समझ रहे हैं ना, ये वेरिएबल है x यहाँ पे, ये 2 और 5 कांस्टेंट है। वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट यदि मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा मतलब जुड़ा हुआ हो, इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये सब, है ना, प्लस है ना, और इक्वल टू का साइन उसमें एक हो, तो वो एक इक्वेशन कहलाता है। क्या क्या होना चाहिए इक्वेशन में? वेरिएबल कांस्टेंट, है ना, वेरिएबल कांस्टेंट और इक्वलिटी का साइन। बात समझ गए? तो ये सारा जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इन सारा चीजों को, ये एक इक्वेशन है, ये आप पहले से जानते हैं। अब क्या है कि इस इक्वेशन को यदि बोले आपको सॉल्व करने, तो आप क्या करते हैं? आपको यदि बोला जाए कि सॉल्व करिए इसको, सॉल्व एबव इक्वेशन, इसको यदि सॉल्व करने के लिए आपको बोला जाए तो आप क्या करेंगे कि 2x इक्वल टू लिखेंगे -5, क्योंकि आप जानते हैं कि ये +5 है, इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा -5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 -5/2। अच्छा, तो x इक्वल टू आप निकालेंगे। क्या मतलब हुआ सॉल्व करने का? सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आप इस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू खोजिए, ऐसा वैल्यू बताइए इस वेरिएबल का जो कि इस इक्वेशन में पुट करे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब LHS RHS इक्वल हो जाए, ऐसा वैल्यू x का बताना था। तो वो x का वैल्यू कौन सा होगा? वो होगा -5/2, है ना। यदि हम लोग यहां पे x से जब -5/2 देते हैं तो -5/2 × 2 हो जाएगा -5, -5 + 5 हो जाएगा 0, इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया। तो यहां पे क्या है ना कि यदि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर क्यों बोले इसको, लीनियर क्यों बोले, लीनियर इसीलिए बोला गया इसको क्योंकि इसपे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें उसका मैक्सिमम पावर 1 है। यहां पर आप देख रहे हैं x का पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है। तो लीनियर इक्वेशन है तो इसके अधिक से अधिक एक ही रूट संभव है। बात समझ रहे हैं? एक ही रूट संभव है, रूट का मतलब वही x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू। तो ये एक ही वैल्यू निकला है, ठीक है। तो ये जो x का -5/2 वैल्यू है वो रखने पे, केवल और केवल -5/2 ही रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ये इक्वेशन जो है सो पूरी तरह से जो कंडीशन दिया हुआ है वो फुलफिल होकर LHS RHS बराबर होगा केवल एक वैल्यू के लिए, ठीक है। फिर से सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई। तो आंसर क्या होगा? 1, ओनली 1 वैल्यू, केवल एक वैल्यू x का होगा जिसके लिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना, लीनियर इक्वेशन है ये। यदि यहीं पे क्वाड्रेटिक दे दे, क्वाड्रेटिक मतलब x का पावर 2 वाला, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो उसके मैक्सिमम दो रूट्स पॉसिबल है, उससे कम होगा रियल, बट 2 से ज्यादा रूट्स उसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोग चलते हैं कि यदि यहां पे इक्वल टू के साइन को हटा के, इक्वल टू के साइन को यदि हटा के इस तरह से कर दिया जाए 2x + 5 > 0 ऐसे लिख दिया जाए। देखिए, इक्वल टू के साइन को हटा दिए यहां से और यहां पे ग्रेटर इक्वल का साइन लिख दिए। ये जो साइन आप लिखे है ना, ये साइन ऑफ इन इक्वालिटी है, साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, दिस इज साइन ऑफ इक्वालिटी।
बट दिस इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इन आई एन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये है। अब यदि आपको पूछा जाए कि x के कितने वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ये तो x के केवल एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, वो भी -5/2 के लिए। बट यदि पूछा जाए कि ये x के कितने वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये कहला जाएगा इन इक्वेशन। देखिए वो था इक्वेशन, ये है इन इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन कहा जाएगा कितने वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो इन इक्वेशन है वो बहुत सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, एक्स के बहुत सारे वैल्यू के लिए ये इन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब LHS जो है, तो है ना, ये स्टेट ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट, ये जो कथन है वो ट्रू होगा एक्स के बहुत सारे वैल्यू के लिए। ओके, अब देखिए, अब क्या है ना कि यहां से यदि सॉल्व किया जाए 2x ग्रेटर इक्वल -5, एक्स ग्रेटर इक्वल -5/2, ऐसे सॉल्व हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स ग्रेटर होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -5/2 के। आप जो है ना यहाँ पे सारा वैल्यू एक्स का क्या क्या होगा वो नहीं लिख सकते, क्योंकि -5/2 से बड़ा वैल्यू तो बहुत सारा इस दुनिया में है। तो -5/2 से बड़ा वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो -5/2 से बड़ा वैल्यू तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 2 भी, 5 भी, 7, 9, 10 सा हो सकता है। तो x का इनफाइनाइट वैल्यू है जिसके लिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है। तो यहां पे x का कोई वैल्यू -5/2 या उससे बड़ा आप पुट करके देखिए। एग्जांपल के लिए हम 0 ले रहे हैं, तो 0 × 2 हो जाएगा 0+5, क्या हो गया ये 0+5। तो देख लीजिए 0+5 जो होता है वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है कि नहीं, 5 ग्रेटर इक्वल 0 तो होता है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ये जो कथन है वो ट्रू हो रहा है एक्स के उन सभी वैल्यूज के लिए जो -5/2 या उससे बड़ा हो। ओके, तो इन इक्वेशन में यही चीज है कि एक्स का कोई एक वैल्यू या दो वैल्यू के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे वैल्यू के लिए भी वो सही हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक्स के किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं हो, हो सकता है एक्स के केवल एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग जो है ना चलते हैं, ये तो बस देखे एक बार शुरू में कि क्या है इक्वेशन और इन इक्वेशन में अंतर, है ना। अब हम लोग चलते हैं ऊपर से, अब धीरे से लिखते हैं हम आराम से, है ना। पहले तो आप जो है ना ये चीज जान लीजिए कि इन इक्वेशन क्या होगा। तो इन इक्वेशन क्या होगा, तो वैसा स्टेटमेंट जिसमें कि एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी एक इन्वॉल्व हो, है ना, और उसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि क्या है इन इक्वेशंस। तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, है ना, पहले लिख देते हैं इन्वॉल्विंग वन एनी वन, ठीक है, इन्वॉल्विंग एनी वन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, अब देखिए जरा सा ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता क्या है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, तो देखिए, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चार तरह के होते हैं, है ना। इनइक्वालिटी जो है सो चार तरह के होते हैं। एक तो होता है ये ग्रेटर इक्वल का, ये लेस इक्वल का, एक ग्रेटर देन का और एक लेस देन का। चारों का नाम लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ग्रेटर और लेस। देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल, है ना। ये जो और लिखा हुआ है बीच में, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, है ना। और ये लिखा हुआ है लेस और इक्वल, लेस और इक्वल, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है वो है ग्रेटर का साइन, ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये लेस देन या लेस का साइन, ठीक है। अब जो है ना हम लोग इन चारों साइन के मीनिंग को जरा समझ लेते हैं।
देखिए इन चारों साइन की मीनिंग को समझिए। सबसे पहले ये ग्रेटर इक्वल को समझते हैं कि क्या होगा इसका मतलब। यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो ए ग्रेटर इक्वल बी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका जो मीनिंग होगा ये क्या होगा। तो ए ग्रेटर इक्वल बी का मीन्स, दिस मीन्स कि ए इज, ए कोई भी रियल नंबर है, आप रियल नंबर तो समझते हैं वास्तविक संख्या, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर है ना, और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल टू बी, समझे आपको, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, इसका ये मतलब है। मतलब ए जो है ना वो बी के बराबर भी हो सकता है और या नहीं तो बी से बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो ए बी के बराबर हो जाएगा या ए बी से बड़ा होगा। देखिए दोनों में से कोई एक ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए जरा सा, कहीं पे यदि थ्री ग्रेटर इक्वल टू लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि थ्री जो है वो बड़ा है ना टू से, बराबर तो नहीं है, तो थ्री बड़ा है टू से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये सही है। अच्छा कहीं पे यदि ये लिखा रहे थ्री ग्रेटर इक्वल थ्री, तो आपको लगेगा एक झटके में कि गलत है, बट ये भी सही है स्टेटमेंट। कैसे, क्योंकि थ्री इक्वल टू थ्री तो है ना, थ्री इक्वल टू थ्री है ना, थ्री ग्रेटर नहीं है थ्री से, सही बात है, मानते हैं कि तीन बड़ा नहीं है तीन से, बट तीन बराबर तो है तीन के, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। मतलब यदि ग्रेटर इक्वल का साइन है तो या तो ग्रेटर हो फिर भी स्टेटमेंट सही, इक्वल हो फिर भी स्टेटमेंट सही, समझे, यही बताना था। अब आप इसका मीनिंग भी समझ गए होंगे लेस और इक्वल का। अच्छा इसमें एक और बात बता दीजिए जरा सा, थ्री ग्रेटर इक्वल फोर, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। क्यों जी, क्यों, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि तीन बड़ा है क्या चार से, नहीं, तीन बराबर है चार के, नहीं, दोनों में से कोई भी सही नहीं हो तो फिर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये चीज था। अब बाकी का मीनिंग आप खुद ही समझ गए होंगे, है कि नहीं, हाँ, लेस इक्वल को आप मीनिंग समझ गए होंगे, इसी तरीके से चलेगा, ग्रेटर का इसी तरह से, लेस का इसी तरह से। अच्छा यदि केवल ऐसा लिखा हुआ हो कहीं पे कि थ्री ग्रेटर देन थ्री, तब क्या होगा, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तीन बड़ा है तीन से, गलत, थ्री इक्वल टू थ्री रहता तो सही। अच्छा यदि कहीं पे थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री लिखा हुआ है तो सही या गलत, क्या होगा, देखो थ्री ग्रेटर इक्वल थ्री ये भी सही है, थ्री लेस इक्वल थ्री ये भी सही है, क्योंकि थ्री लेस तो नहीं है थ्री से, लेकिन थ्री इक्वल टू थ्री क्या है ना, तो दोनों में से कोई भी एक सही तो स्टेटमेंट सही, तो ये सही है, बात समझ रहे हैं आप। चलिए तो ये चीज तो हो गया आपका, इतना समझ में आ गया होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप समझ गए। साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये चार तरीके के होते हैं और उसका मीनिंग क्या है वो भी आपको हम समझाएं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि वन, वन से छोटा नंबर होता है ना जीरो के बीच में, मान लीजिए कि कोई नंबर है वन और जीरो के बीच का वन बाय टू, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या है ना कि वन बाय टू और वन बाय फोर, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बात सब जानते होंगे आप लोग, बस एक बार याद दिला रहे हैं कि 1 बाय 2 और 1 बाय 4 में कौन बड़ा, तो ऊपर में दोनों का सेम है, न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे में जितना ज्यादा भारी रहेगा, जितना ज्यादा बड़ा चीज रहेगा नीचे, तो उतना ज्यादा नीचे खींचेगा, ऐसा समझिए, मतलब वो कम हो जाएगा, और तो नीचे में जितना ज्यादा उतना ही कम, ऊपर यदि सेम हो तो है ना, तो ये जो 1 बाय 4 है वो छोटा है, तो ये वाला साइन देंगे छोटा, लेस देन है ये, लेस देन 1 बाय 4 लेस देन 1 बाय 2, जिधर ये वाला एंड रहेगा ना, जिधर ये जो नुकीला टाइप ये जो रहेगा जिधर, वो छोटा होगा, ठीक है। चलिए यदि आपसे ये पूछा जाए माइनस 1 बाय 2 और माइनस 1 बाय 4, अब कौन है बड़ा कौन है छोटा, ठीक है, तो देखिए माइनस वन बाय टू और माइनस वन बाय फोर में माइनस वन बाय टू छोटा हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं कि जब वन बाय टू वन बाय फोर था तो ये क्या था, छोटा था, है ना, छोटा था ये, अब माइनस लगा दिए दोनों तरफ, तो माइनस लगाए तो माइनस के साथ जो जितना कम वैल्यू रहेगा
उतना ही बड़ा हो जाता है नंबर लाइन पे, क्योंकि माइनस वन आप जानते हैं ना माइनस फाइव से बड़ा है, माइनस वन बड़ा है माइनस फाइव से। ये सब बेसिक बात है, आप टेंथ पास करके आए हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि आप टेंथ पास करके आए हैं इसलिए ये सब बात कर रहे हैं आपसे। चलिए देखिए, अब इस पे एक और बात, यदि आपसे पूछ दिया जाए 3/8 और ऐसा पूछ दिया जाए 5/ मान लीजिए कि 7, अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है, ऐसा यदि रहे 3/8 और 5/7, ना तो ऊपर सेम है ना नीचे सेम है, तो किस आधार पे आप जो है ना दोनों को जज कीजिएगा फिर। तो देखिए इसमें पहले इसको छोटा बड़ा जानने के लिए पहले या तो ऊपर बराबर कर लीजिए या नीचे बराबर कर लीजिए, दोनों में सेम, तो चलिए ऊपर ही बराबर करते हैं। तो 3 है यहां 5 है, तो ऊपर बराबर कैसे होगा, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा 15, 5 × 15 एलसीएम होता है, तो दोनों को 15 के बराबर करिए। तो देखिए इसमें ऊपर में कितना से गुणा करना होगा आपको, तो ऊपर में 5 से गुणा करना होगा तो 15 हो गया, नीचे भी 5 से गुणा करिए तो 40 हो गया, तो 15/40, ऊपर में 3 से गुणा करिए तो 15 और नीचे में 3 से गुणा करिए 21। अब देखिए ऊपर दोनों का सेम हो गया, तो ऊपर यदि सेम हो गया तो नीचे में कौन कम है कहां, तो नीचे में कम है यहां, तो 15/21 है, तो ये बड़ा हो गया, नीचे में कम है तो बड़ा, क्योंकि ऊपर तो सेम है ना, तो ये 15/21, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5/7 क्या है बड़ा है, आप समझ गए है ना, तो इस तरीके से है। अच्छा अब जो है सो इसमें तो ऐसे भी देखा जा सकता था, वैसे देखिए 3/8 रहता है ना, और यहां पे मान लीजिए कि 2/7 रहता, ठीक है, अब बनाना था तो अब क्या करते, दोनों का एलसीएम लेते तो 6 होता, दोनों का एलसीएम 6, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो 6 पूरेगा ना, तो 2 से गुना करिए 6/16, 8 से नीचे में 2 से गुना किए, ऊपर नीचे 2 से गुना किए 6/16, इसमें ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे तो 6/21। अब देखिए ये जो है ना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है क्योंकि नीचे में कम है, तो ये ज्यादा हो गया 3/8 2/7 से। ओके तो इस तरह से हम लोग जो है ना देख सकते हैं, है ना, एक का अंतर ऊपर भी था नीचे भी एक का अंतर था, बट 3/8 ज्यादा है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। आपको ये चीज हम थोड़ा सा बस ऐसे बता दिए, हिंट दे दिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे फिर से। साइन ऑफ इनइक्विटी हम लोग जान गए थे, साइन ऑफ इनइक्विटी जानने के बाद आपको जो जानना है वो जानना है देखिए ये इंटरवल के बारे में, इंटरवल्स इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो इंटरवल्स जो है ना वो कौन कौन से होते हैं वो जानिए आप, सबसे पहले तो जानिए कि एक इंटरवल जो है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओके, और एक होता है यहां पे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब ये इंटरवल का काम क्या है, ठीक है, इंटरवल का काम क्या है, देखिए यदि आपसे बोला जाए कि आप जो है ना 1 और 5 के बीच का सारा, 1 और 5 को भी मिला के, 1 और 5 को भी शामिल करके, यदि 1 और 5 के बीच का सारा इंटीजर पूर्णांक लिखिए, तो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 5 को मिला के लिखना था तो ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब यदि आपसे बोला जाए कि 1 और 5 के बीच का सारा इंटीजर नहीं बल्कि सारा रियल नंबर लिखिए, तब तो आप लिख नहीं सकते ना, तब आप कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा 1, 1.1, 1.2 ऐसे लिखिएगा क्या, नहीं आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारा नंबर को छोड़ दिए हैं, 1 और 1.1 के बीच का इनफाइनाइट नंबर आप छोड़ दिए हैं, इसके बीच में भी नंबर तो होगा 1.01, तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं, आप लिख ही नहीं सकते हैं 1 से 5 तक के बीच का सारा रियल नंबर को, इसीलिए इंटरवल का जरूरत पड़ता है। यदि दो किसी भी दो रियल नंबर के बीच के सारे रियल नंबर को दिखाना है तो आपको इंटरवल का जरूरत पड़ेगा, तो
देखिए क्लोज इंटरवल का साइन ये है, ऐसे होता है क्लोज इंटरवल। इसमें यदि यहाँ ए लिखा हुआ हो, कॉमा लेके यहाँ बी लिखा हुआ हो, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होता है कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, इंक्लूडिंग बोथ, बोथ मतलब ए और बी, दोनों को मिला के, दोनों को शामिल करके, ए और बी के बीच का जितना भी रियल नंबर होगा ना, उसको ये दिखा रहा है, इसको शो कर रहा है ना। जैसे कि एग्जांपल यदि यहाँ पे लिखे 2 और यहाँ पे लिख दिए 4, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ केवल 2 और 4 नहीं हुआ, केवल 2 और 4 लिखना है तब तो ये वाला ब्रैकेट 2, 4, ये मिडिल ब्रैकेट, इसका मतलब हुआ only 2 and 4, इसका मतलब ये हुआ केवल 2 and 4 जो दिख रहा है उस ब्रैकेट में, जो दिखता है वही होता है ना, 2 and 4। अच्छा इसमें क्या है ना कि 2 और 4 का मतलब हो गया कि 2 से लेके 4 तक के बीच का सारा रियल नंबर, आप चूंकि लिख तो नहीं सकते थे सारा रियल नंबर को, बट हम लोग इस तरह से वहां पे शो कर सकते हैं कि 2 और 4 के बीच का सारा रियल नंबर बोलना चाह रहे हैं। ओके, अब देखिए ये यदि 2 है, यहां पे 4 है, माइनस इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी है, इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। तो 2 और 4 के बीच के नंबर लाइन को ऐसे दिखाएंगे, देखिए ऐसे 2 से लेके और 4, 2 पे भी यहाँ क्लोज, यहाँ भी क्लोज, 2 से 4 के बीच का जितना रियल नंबर है रियल नंबर लाइन पे, उस सबको कवर कर रहे हैं, इसका मतलब वो सारा रियल नंबर हम दिखाना आपको चाह रहे हैं, अब बताना आपको चाह रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। अच्छा यहाँ पे इसको यदि ऐसे लिखा रहता है यहाँ कि एक्स और ये साइन रहता, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये साइन का मतलब बिलोंग्स टू, क्या मतलब हुआ? बिलोंग्स टू, है ना। ये चीज देखिए, ये जो साइन है ना, ये है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। ठीक है, सेट थ्योरी में पढ़ेंगे ये साइन को फिर से। बिलोंग्स टू का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, मतलब एक्स जो है वो एलिमेंट है 2 से 4 के बीच का, मतलब 2 से 4 का जो इंटरवल है ना, उसी का एक मेंबर है, उसी का एक सदस्य है वो एक्स। ठीक है, तो देखिए इस चीज को हम लोग ये तरीका लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नंबर लाइन पे। एक और तरीका ये है लिखने का, एक्स है ना लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए ये भी तरीका है लिखने का कि एक्स ग्रेटर इक्वल है 2 से और एक्स लेस इक्वल है किससे? 4 से। तो ये भी तरीका है लिखने का। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये समझे आपकी क्लोज इंटरवल का मतलब और उसका कुछ एग्जांपल। ओपन इंटरवल में क्या है कि ओपन इंटरवल में ये साइन होता है, ये ऐसा, या नहीं तो ये उल्टा के तरफ में, यही जो अंदर की तरफ है बंद, वो उल्टा बाहर तरफ खोल देंगे, तो ओपन इंटरवल का ये साइन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि 2 और 4 को इस इंटरवल में लिख दिया जाए बच्चों, ऐसे यदि लिख दिया जाए, तो इसका मतलब हुआ क्या कि 2 और 4 के बीच का सारा रियल नंबर तो है, बट 2 नहीं है और 4 भी नहीं है, मतलब 2 को छोड़ देना है। तो 2 पे ओपन और 4 पे भी ऐसे ओपन, मतलब 2, 4 को छोड़ के, और ऐसे यहाँ पे दे सकते हैं, इक्वालिटी यहाँ से हटा दिए, मतलब 2 को छोड़ दिए हैं, 4 को भी छोड़ दिए हैं, बट उसके बीच का सारा नंबर को एक्स बता रहा है, उसके बीच के सारे रियल नंबर को दर्शा रहा है। ओके, ओपन क्लोज, ओपन का मतलब ये और क्लोज का मतलब ये, तो ओपन क्लोज ऐसे। एक और तरीका कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ओपन और बी क्लोज है तो अंदर की तरफ, ठीक है, ए बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इधर क्लोज करिए और उधर ओपन, मतलब 2 पे ओपन है और 4 पे क्लोज है, मतलब 4 को लिए है अपने आंसर में, एक्स जो है वो 4 हो सकता है बट 2 नहीं हो सकता एक्स का वैल्यू। ठीक है, उसके बीच का सारा रियल नंबर हो सकता है। अच्छा क्लोज ओपन, तो क्लोज ओपन का मतलब क्या होगा कि क्लोज ए और बी पे ओपन, या नहीं तो क्लोज ए और बी पे ओपन, ऐसे। तो इधर क्लोज हो गया, इधर देखो बच्चों, इधर हो गया क्लोज और इधर क्या जी ओपन, तो इधर क्लोज इधर ओपन। देखिए सबका मीनिंग आप जो है सो समझ के वहां पे, ये 4 तरह का इंटरवल होता है। ठीक है, ये इंटरवल्स यदि आप जान लिए ना, बहुत फायदा करेगा आपको। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा रोक के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे।
देखिए जी, ये जो लीनियर इनइक्वालिटी होता है ना, लीनियर इनइक्वालिटी जो होता है उसमें वेरिएबल्स कितना है, जैसे कि लिखते हैं हम x प्लस वन ग्रेटर इक्वल जीरो, ये एक लीनियर इनइक्वेशन है। इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। इस तरह से दो वेरिएबल तीन वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे कि ये एक वेरिएबल है और लीनियर है, x का पावर वन है, तो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको हम लोग बोलेंगे, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको बोलेंगे। अच्छा, यहीं पे यदि 3x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 5 ऐसा लिख दिया, तो इसमें देखिए जरा सा, ये भी है लीनियर ही, लीनियर इनइक्वेशन ही है, बट ये टू वेरिएबल्स का है, टू वेरिएबल्स, एक एग्जांपल बस दे रहे हैं आपको, टू वेरिएबल्स है, इसमें एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। तो लीनियर इनइक्वेशन जो है, जो पढ़ना हम लोग को लीनियर इनइक्वेशंस, वो एक वेरिएबल वाला टू वेरिएबल वाला दोनों पढ़ना है यहां पे इलेवेंथ में। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है और टू वेरिएबल है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए आपके पास में कुछ रूल्स हैं। वो क्या रूल्स है वो पहले जान लेते हैं। देखिए, रूल्स टू सॉल्व लीनियर इन इक्वेशंस, ठीक है, ये जो रूल्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स आप याद रखेंगे फिर हम लोग सॉल्व करना भी इन इक्वेशन को सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, रूल्स टू सॉल्व लीनियर इन इक्वेशंस, पहला नंबर रूल ये कहता है कि जिस तरह से इक्वेशन के दोनों तरफ, मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ का मतलब साइन ऑफ इक्वालिटी के दोनों तरफ, किसी भी नंबर को आप सेम नंबर को दोनों तरफ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये बात आप जानते हैं पहले से। देखिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू, मान लीजिए कि 0 लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन है यहां, आप इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये कर सकते हैं सेम नंबर को। लेकिन हाँ, मान लीजिए इधर हम जोड़ना चाहे 5 और इधर भी जोड़ना चाहे 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके रूट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम नंबर सेम कॉन्स्टेंट को दोनों तरफ में एड किया जा सकता है ना, या दोनों तरफ से माइनस किया जा सकता है। मान लीजिए कि इधर हम माइनस किए 1, इधर भी हम लोग माइनस कर दिए 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से सेम इनइक्वालिटी में भी, इनइक्वेशंस में भी, आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये है पहला रूल। तो लिखिए जरा सा यहां पे कि सेम नंबर्स can be added to or subtracted from both sides of sign of inequality. समझे आपको? देखिए, सेम नंबर कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी, का मतलब हुआ कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर को हम लोग जोड़ सकते हैं या सेम नंबर को घटा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है कि 3x ग्रेटर इक्वल, या 3x ऐसा लिखते हैं पहले, चलिए x प्लस 15 ग्रेटर इक्वल 0, ये लिखते हैं। सेम नंबर को दोनों तरफ हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको, x निकालना है, तो x निकालना है तो x के प्लस में 15 है पहले से, यदि आप दोनों तरफ से 15 घटा लेते हैं तो ये 15 हट जाएगा, यहां से x मिल जाएगा आपको। तो देखिए, x प्लस 15 माइनस 15
ये जो साइन है उधर हम लोग बाएं तरफ क्या किए कि माइनस किए 15, तो इधर भी जीरो में से क्या कर देंगे माइनस 15, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, हट गया, तो एक्स ग्रेटर इक्वल माइनस 15 और एक्स जो है सो ये निकल गया, मतलब ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करना था तो सॉल्व हो गया, ठीक है। बट क्या है कि हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि ऐसे जोड़ते घटाते नहीं है, आप यदि ऐसे कर देते हैं एक्स और 15 को बोल दिए कि उधर भेज दिए तो ग्रेटर इक्वल 15 प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था पहला रूल कि यदि आप दोनों तरफ इनइक्वालिटी के साइन के चाहें तो दोनों तरफ आप कोई नंबर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ओके, पहला रूल था ये। साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो था ना वो सेम वही रहता है। दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर है कि सेम पॉजिटिव नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू बोथ साइड्स ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। देखिए जरा सा, सेम पॉजिटिव नंबर जो है वो हम लोग साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेम पॉजिटिव नंबर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम टू सेम जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ओके, है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना चेंज नहीं होता है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग, साइन डज नॉट साइन चेंज नहीं होगा, ओके। एग्जाम्पल देखिए, आप मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ 3x ग्रेटर इक्वल ऐसा, अब आपको क्या करना है दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से भी डिवाइड करना है तब ना ये 3 हटेगा, तो 3x बाय 3 किए, इधर भी 3 से डिवाइड किए, देखिए साइन जो है वही रहेगा, तो यहां 3 से 3 कट गया, x ग्रेटर इक्वल 5, तो ये हो गया आंसर, बात समझे। तो ये था, बट इसी में क्या है अगला कि यदि सेम नेगेटिव नंबर है ना कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू बोथ साइड्स ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बट साइन चेंजेज, क्या है ना कि साइन चेंज हो जाता है। यदि यहां पे माइनस 3x ग्रेटर इक्वल 15 रहता, ठीक है, और आप यदि दोनों तरफ माइनस 3 से डिवाइड करना चाहते, जैसे कि इधर 15 था और आप माइनस 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, देखिए इधर भी हम लोग बाएं तरफ माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, उधर भी माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सेम से कर रहे हैं, कर तो सकते हैं, बट क्या है दोनों तरफ डिवाइड यदि सेम चीज से कर रहे हैं आप, बट वो निगेटिव है यदि, तो ये जो साइन था वो बदल जाएगा, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट। सेम चीज से गुना भी करने पे बदल जाता है और भाग भी करने पे बदल जाता है साइन निगेटिव से। देखिए माइनस 3 से माइनस 3 कट के x बचेगा, लेस इक्वल ये माइनस 5, तो देखिए ये आंसर होगा इसका, ओके, साइन चेंज हो जाता है यदि निगेटिव नंबर से आप दोनों तरफ गुना करते हैं या भाग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, बात समझ गए। चलिए अब हम लोग जो है ना चौथा नंबर को देखते हैं क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुड बी अवॉइडेड विथ अननोन क्वांटिटी। देखिए जरा सा, अननोन क्वांटिटी से जिसके बारे में आपको ये पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको अननोन बोले यहां, तो अननोन साइन जिसका हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है पता नहीं है, तो अननोन क्वांटिटी से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत कीजिएगा, जैसे 3x है ना अपॉन, मान लीजिए कि यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है 5 है,
और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया है 2 by x, ऐसे लिख दिया कहीं पे, या चलिए यहां से हम हटा दे रहे हैं, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको लगेगा कि सर इस x को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं कर सकते आप, देखिए क्योंकि x के बारे में ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x तो अननोन है, x तो वेरिएबल है, वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए आप जो है सो चाहिएगा कि ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे और लिख देते हैं 3x greater equal 10, तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, इसके बनाइएगा आंसर तो गलत हो सकता है। तो आप जो है ना एक्स के बारे में जब तक ये पता नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव है तो तब क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको यहां पे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अननोन क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों आपका जो है सो प्रॉपर्टी या फिर समझिए कि रूल्स ये है, ये चारों रूल्स आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि क्या है फर्स्ट मतलब लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, ये चीज हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं कि लीनियर इनइक्वेशन यदि दिया रहे वन वेरिएबल में तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे, टू वेरिएबल में दिया रहे एक्स का वैल्यू मतलब लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल रहे तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग सब ग्राफ भी पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासों में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस ओके बाय।